गाइस वेलकम टू मकेस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में जो है हम लोग टर्बाइन बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था मैं कि टर्बाइन का जो स्टडी फॉर एनर्जी इक्वेशन होता है किन किन कंडीशंस पे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अपन एक उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेट अस सी क्वेश्चन क्या दिया आपको यहाँ पे, और टर्बाइन ऑपरेट्स अंडर स्टडी फ्लो कंडीशंस, ठीक है। स्टडी फ्लो देखो आपको दे दिया यहाँ पे, स्टडी फ्लो कंडीशंस रिसीविंग स्टीम एट द फॉलोइंग स्टेट, जो रिसीविंग एंड उसका है वो देखो क्या क्या को दिया। प्रेशर इज 1.2 मेगापास्कल, तो ये जो इसको अपन यहाँ पे लिखते चलते हैं, प्रेशर इज P1 इक्वल्स टू हाउ मच 1.2 मेगापास्कल, ठीक है। मैं क्या करूँगा बताओ, पहले जो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ ना उसके हिसाब से पहले हम क्या करेंगे, गिवन डेटास को यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा आपको यहाँ पे, आई होप आपको सब कुछ क्लियर दिखता होगा। अब यहाँ पे प्रेशर इज हाउ मच 1.2 मेगापास्कल, टेम्परेचर देखो तो कितना दिया पे 188 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे टेम्परेचर को केल्विन में रखना है। बिकॉज मैं आपको स्टार्टिंग वाले वीडियो में बताया था कि जो टेम्परेचर होता है थर्मोडायनेमिक्स में, वी ट्राई टू राइट टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ केल्विन, और जब भी हम किसी लॉग को वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो कौन सा लॉग वहाँ पर होता है, नेचुरल लॉग होता है, ना कि लॉग बेस 10, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो 188 डिग्री को अपन केल्विन का चेंज करेंगे, 188 प्लस 273, ओके। तो देखो अपना कितना 461 अपना क्या होगा, केल्विन हो जाएगा। तो कैपिटल टी इक्वल्स टू हाउ मच 461 केल्विन, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट द इनलेट। एंथैल्पी देखो कितना दिया यहाँ पे, एंथैल्पी मतलब कैपिटल एस होना चाहिए, लेकिन देखो आपको यहाँ पे वैल्यू देखो किस में दिया हुआ है, जो यूनिट है, यूनिट देखो किस में दिया, किलो जूल पर केजी में दिया हुआ है, तो मतलब क्या होगा ये आपका स्पेसिफिक एंथैल्पी हो जाएगा। तो वी विल राइट हियर स्मॉल एच वन इक्वल्स टू हाउ मच 2785 किलो जूल्स पर केजी, ठीक है जी। ये भी अपन यहाँ पे लिख लिए, और देखो यहाँ पे एक और चीज आपको दिया है, दैट इज वेलोसिटी हाउ मच 33.3 मीटर्स पर सेकेंड। तो C1 की देखो वैल्यू अपन कितनी दी है, 33.3 मीटर्स पर सेकेंड। एंड लास्ट देखो अपने को एलिवेशन यहाँ पे दिया, दैट इज 3 मीटर्स, Z1 इक्वल्स टू हाउ मच 3 मीटर्स यहाँ पे दे दिए। तो ये भी जो वैल्यू आए हैं यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, दैट इज रिगार्ड्स विद द इनलेट कंडीशंस। अब देखो यहाँ पे लिखा है द स्टीम लीव्स द टर्बाइन एट द, देखो क्या कर रहा है ये, जो उसके आउटलेट कंडीशंस हैं, ठीक है। आउटलेट कंडीशन देखो कैसे दिया यहाँ पे आपका, द स्टीम लीव्स द टर्बाइन एट द फॉलोइंग स्टेट, प्रेशर इक्वल्स 20 किलो पास्कल, ठीक है। देखो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं आउटलेट कंडीशंस को मैं यहाँ लिखता हूँ मैं। तो P2 देखो आपको कितना दिया यहाँ पे, 20 किलो पास्कल दे दिया है, फाइन। एंथैल्पी देखो कितना दिया आपको, 2512 दिया है, तो एंथैल्पी किलो जूल्स पर केजी दिया, तो दिस विल बी स्मॉल एच टू, स्मॉल एच टू इक्वल्स टू 2512 किलो जूल्स पर केजी। ये भी अपना हो गया। वेलोसिटी देखो अपने आउटलेट का कितना दिया है, 100 मीटर्स पर सेकंड दे दिया यहाँ पे, तो दिस विल बी C2 दैट इज 100 मीटर्स पर सेकंड। एंड एलिवेशन दैट इज 0 मीटर्स, Z2 इक्वल्स टू अपने कितना दिया अपने को, 0 मीटर्स दिया हुआ, ठीक है। हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स एट द रेट ऑफ 0.29 किलो जूल्स पर सेकेंड, ठीक है। देखो पर सेकेंड लिखा है यहाँ पे, देखो क्या लिखा, किलो जूल्स पर केजी लिखा हुआ, तो अपने क्या स्मॉल एच हो जाएगा, जिसमें अपना क्या है मास नहीं है, लेकिन जब किसी क्वांटिटी में पर सेकेंड आएगा तो उसमें अपन क्या समझेंगे, ये जो आपको दिया हुआ है ये देखो कैसा है आपको यहाँ पे, किलो जूल्स पर केजी इंटू केजी पर सेकेंड, ठीक है। इसमें जो है आपका क्या है मास मल्टीप्लाइड है, इसलिए देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, किलो जूल्स पर केजी दिया हुआ, ठीक है। तो क्या होगा देखो, तो केजी मतलब यहाँ पे कैंसिल हो, तो क्या बचेगा देखो आपका यहाँ पे, किलो जूल्स पर सेकंड बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है मास मल्टीप्लाइड है, ओके। देखो यहाँ पे क्या दिया, इफ द स्टीम फ्लो रेट थ्रू द टर्बाइन इज इतना, देखो यहाँ पे आपको स्टीम फ्लो रेट दिया, मतलब क्या उसका मास दे दिया आपको, ठीक है। देखो आपको क्वेश्चन देखो क्या दिया आपको, मास भी दे दिया, एम डॉट इक्वल्स टू हाउ मच 0., जो क्या दिया यहाँ पे आपको 0.42 केजी पर सेकेंड 0.42 केजी पर सेकेंड। और देखो यहाँ पर क्या दिया था, क्यूसी भी दिया हुआ था, देखो तो क्यूसी देखो कितना दिया आपको, 0.29 किलो जूल्स पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा था, हीट इज लॉस्ट बोल रहा है, हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स बोल रहा था, तो यहाँ पर क्या नेगेटिव आएगा, डेट इज 0.29 किलो जूल्स पर सेकेंड हो जाएगा अपना, ये फाइन। आगे बढ़ते हो क्या पूछा पे, व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ द टर्बाइन इन किलोवाट, ठीक है। मुझे क्या निकालना है इसका, किलोवाट में
पावर आउटपुट निकालना है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे डब्ल्यू टर्बाइन यहाँ पे जो है निकालना है, ठीक है। तो ये सब जो गिवन कंडीशंस मुझे यहाँ पे दिए बैठे हैं, इनको दिमाग पर रखते हुए मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो देखो यहाँ पे क्या है आपका स्टेडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन, क्या है उसको पहले लिख लूँ, अप्लाइंग एस एफ डबल ई फॉर टर्बाइन, ठीक है। तो जो आपका एस एफ डब्ल्यू इक्वेशन पहले उसको आप लिख लो, फिर देखेंगे यहाँ पे क्या चीज़ नहीं दी हुई है और किन को हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूँ, देखो चूंकि अपने को यहाँ पे मास मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल क्वांटिटी में लिख लेंगे, फिर देखेंगे कि किसको हटाना है, ठीक है। तो या फिर काम कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी में जाके भी आगे इसको देख सकते हैं क्या करना है। देखो अपना क्या होगा, एच वन प्लस सी वन स्क्वायर अपॉन में टू प्लस जी जेड वन प्लस क्यू डॉट सी वी अपॉन में एम डॉट, ये अपना हो गया इनलेट कंडीशन। अब आउटलेट कंडीशन लिखते हैं, एच टू प्लस सी टू स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड टू प्लस डब्लू, यहाँ पे कौन सा टर्बाइन केस दिया था, यहाँ पे लिखो डब्लू टी डॉट अपॉन में एम डॉट, ठीक है। देखो मुझे किस में निकालने बोला, यहाँ पे किलो वाट में निकालने बोला, मतलब क्या निकालना मुझे, ये निकालना है, ठीक है। तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी हम क्या करेंगे, उसको एम डॉट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या मुझे निकालना है। देखो यहाँ पे एच वन दिया है, फाइन, सी वन दिया है, अच्छी बात है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दे दिया आपको, लेकिन देखो ये किस में दिया आपको, किलो जूल पर के जी में दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, इससे माइनस डिवाइड करेंगे। फिर देखो क्या होगा अपना, एच टू यहाँ पर दिया हुआ है, सी टू यहाँ दिया हुआ है, जेड टू जीरो दे दिया है, डब्लू ये तो अपने निकालना है। तो यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी को अपन जीरो नहीं कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे क्या है, सभी को रख के सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं, एच वन की बताओ वैल्यू कितनी दी यहाँ पे, टू सेवन एट फाइव इंटू टेन की पावर थ्री, बिकॉज किस में दिया आपको, किलो जूल्स पर के जी में दिया है, ठीक है। सी वन की देखो कितनी वैल्यू दी है, 33.3, इसका स्क्वायर कर दो अपॉन में टू कर दो, तो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई, प्लस जी 9.81 इंटू जेड वन की देखो वैल्यू कितनी, देखो थ्री दे दिया है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ प्लस, लेकिन देखो यहाँ पे क्या माइनस दिया हुआ है, तो माइनस 0.29 अपॉन में एम डॉट, दैट इज 0.42, ठीक है। तो क्या होगा अपना, ये किलो जूल्स पर केजी हो जाएगा अपना ये क्वांटिटी, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, अब देखो इक्वल्स टू एच टू की वैल्यू कितनी दी यहाँ पे, दिया हुआ दैट इज 2512 इंटू 10 के पावर 3, ओके, प्लस सी टू स्क्वायर 100 का स्क्वायर यहाँ पे कर लो अपॉन में 2 कर लो, प्लस ये अपना जीरो दिया हुआ है तो अपना ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन हटा दिए, इसको जो है मुझे निकालना है, तो डब्लू टी डॉट अपॉन में एम डॉट यहाँ पे हो गया, ओके। अब जो है हम लोग कैलसी को यूज़ करेंगे और सभी वैल्यूज को प्रॉपरली सॉल्व करके यहाँ पर लिखेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। इसका एज इट इज लिख लो, 2785 इंटू 10 की पावर 3 प्लस, इसको देखते हैं क्या करते हैं, दिस इज 33.3 का स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे करूँगा इसको सॉल्व में, दिस इज 33.3 का स्क्वायर, 33 पॉइंट, देखो कैसे सॉल्व करूँगा इसको ना, 33.3 का स्क्वायर कर दिया मैं, ये निकाल दिया, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, देखो कितना अपना आएगा, ये 5544.4, ठीक है। वैसे इसको निकाल लो, 9.81 इंटू 3 जितना हो गया, दिस इक्वल्स टू हाउ मच, 229.43। देखो ये अपना वैल्यू नेगेटिव में था कि नहीं, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ किस में दिया हुआ आपको, ये किलो जूल्स पर केजी में दिया था, तो यहाँ पे क्या होगा आपको, 10 की पावर 3 भी आएगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये 0.29 इंटू 10 की पावर 3, इसको ऐसे दे दिया, डिवाइड बाई 0.42, देखो कितना अपना आएगा, ये 690 माइनस 690.47, ये अपना आ गया। अब ये दोनों को भी अपन यहाँ पे लेके आते हैं, चूँकि अपना पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 2512 इंटू 10 के पावर 3 हो जाएगा, ये भी यहाँ पे आएगा। तो देखो क्या होगा, 100 का स्क्वायर कर लो पहले, 100 का स्क्वायर देखो कितना होगा, 100 का स्क्वायर कर लो, ये अपना आ गया, डिवाइड बाई 2 कर लो इसको, देखो ये भी इतना आ गया, दैट इज 5000, तो ये भी किस में होगा, माइनस में होगा, दैट इज 5000 इक्वल्स टू डब्लू डॉट टी अपॉन में एम डॉट, ये अपना हो गया। अब एक काम करेंगे, एक लाइन में सभी को जोड़ना और घटाना वाला काम करेंगे, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे देखते चलो, 2785 10 की पावर 3 प्लस 554.4 प्लस 29.43 इक्वल्स टू माइनस 60 69.47 माइनस 2512 × 10 की पावर 3 माइनस 5000। ठीक है, देखो अपनी वैल्यू कितनी है, देखो तो डब्लू डॉट टर्बाइन अपॉन में एम डॉट इक्वल्स टू देखो कितना अपना है यहाँ पे 2685 14.36। ये अपना किसमें, जूल्स में आएगा। तो यहाँ पे काम करेंगे, इसको तीन पीछे आ जाओ, यहाँ पे लिखो उसको, देखो कितना लिखना अपन यहाँ पे 268.5, इसको क्या लिखूंगा मैं, किलो जूल्स। लेकिन देखो अपना ये क्या है, किलो जूल्स पर केजी में दिया कि नहीं, तो अपने क्या हो, जूल्स पर केजी हो जाएगा ये, अपने क्या किलो जूल्स पर केजी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपका क्या है, मास से मल्टी मतलब डिवाइडेड है ये, तो जूल्स पर केजी अपना क्या हो, किलो जूल्स पर केजी हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, इन किलो वाट चाहिए, क्वेश्चन को क्या पूछा है, इन किलो वाट में निकालने के लिए बोला है। तो डब्ल्यू डॉट टी इक्वल्स टू एम डॉट इंटू 268.5 हो जाएगा। एम डॉट देखो वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, 0.42 दिया हुआ है, तो 0.42 × 268.5 इसको सॉल्व करो, इसको पहले क्या करूँगा, देखो तो पहले 1000 से डिवाइड कर लूँगा, ठीक है, तो इतना कितना का देखो 268 हो गया। अब उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा, देखो कितने करूँगा, 0.42 से, तो इंटू 0.42 देखो कितना अपना है, 112.776, और यही अपना क्या है, आंसर है। तो बढ़िया, अपना आंसर निकल गया है, एंड दैट मीन पॉजिटिव, ठीक है, 776। डब्ल्यू टी की वैल्यू पर निकाल रहे हैं, एम डॉट यहाँ मल्टीप्लाई हो, तो अपना किस किस में आ गई है, किलो जूल्स पर सेकंड आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, किलो वाट बोलते, तो 112.8 लिख देता हूँ इसको मैं, किलो वाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू टी डॉट, है ना। जब को टर्बाइन पूछा था, टर्बाइन के जो वर्क पूछा था आपको, है ना, पावर आउटपुट, देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ द टर्बाइन इन किलोवाट, तो अपना जो आंसर कितना है देखो, 112.8। तो अगर कोई वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में अच्छे से आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड अपने दोस्तों से शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।